ही में बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को किया हमने एक इवेंट पर स्पॉट। यहाँ मिस्टर बच्चन ने अपने बीते वक्त की कुछ सुनहरी यादें की हमारे साथ शेयर। मिस्टर बच्चन हमेशा से करना चाहते थे धर्मवीर भारती की नॉवल गुनाहों का देवता पर फिल्म में काम, पर उनका ये सपना रह गया अधूरा। जब मैं छोटा था तो जगह जगह भारती जी के जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, इसके बारे में भी पुष्पा जी ने भी बताया, कहीं ना कहीं मन में एक ही आशा थी कि कभी अगर अवसर मिले तो गुनाहों के देवता अगर उसका नाटक हो तो मैं उसमें भाग ले सकूं। कि फिल्म उद्योग में कदम रखने के कुछ ही दिनों बाद मेरे पास प्रस्ताव आया कि गुनाहों के देवता के ऊपर एक फिल्म बन रही है और हम चाहेंगे कि आप उसमें एक भूमिका करें। उस समय जया और हमारा विवाह नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने बहुत मन से दिल लगा करके उस फिल्म में काम किया, बहुत अच्छा लगा। 7-8 रील बनी इस फिल्म की और फिर दुर्भाग्यवश किसी कारण वो पूरी नहीं हो सकी, इसका हमें हमेशा खेद रहा। क्योंकि मिस्टर बच्चन यहां आए थे धर्मवीर भारती से रिलेटेड एक इवेंट पर, इसीलिए यहां उन्होंने उनके और अपने लेट फादर श्री हरिवंश राय बच्चन से रिलेटेड कई किस्से भी सुनाए। बाबूजी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो अंग्रेजी विभाग था वहाँ पढ़ाते थे, धर्मवीर भारती जी उनके विद्यार्थी थे उस विभाग में। आगे चलकर भारती जी ने, जैसा कि पुष्पा जी ने कहा, वो हिंदी विभाग में पढ़ाने लगे और तभी से इनका ये संबंध बना रहा। दोनों ही बाबूजी और भारती जी का ये जो संबंध है ये एक तरह से गंगा जमुनी जो इलाहाबाद का एक निशान है, गंगा जमुनी संपर्क था और संबंध था। No doubt कि ये इवेंट बन गया मिस्टर बच्चन की प्रेजेंस से और भी खास।